हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये आपने बार बार देखो ये स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर क्या होती है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मीडियाटेक हुई, जो भी प्रोसेसर होती है स्नैपड्रैगन हीलियन, जो हीलियन की प्रोसेसर होती है मीडियाटेक हीलियन P70, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है ये प्रोसेसर। इतने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है स्नैपड्रैगन, फिर जो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है, जो 8 वाला है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, ये प्रोसेसर है क्या, मोबाइल के लिए किस तरह से प्रोसेसर जो है डिसाइड करती है, सारी के सारी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं मैं यार। तो ये सभी बातों पर जब को जानने के लिए आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना ना भूले। तो दोस्तों मेरा नाम है शंकर, आप देख रहे हैं न्यू टेकी जी चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर क्या होता है। अब एक्चुअली प्रोसेसर इससे नाम से पता चल रहा है, प्रोसेसर यानी प्रोसेस करने का काम, प्रोसेस यानी काम को क्रिया को करते रहने का काम। अब एक्चुअली थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आपने जो गाड़ी में जो इंजन का काम होता है, कार है उसके अंदर जो इंजन का काम होता है वही जो है आपकी प्रोसेस होता है। तो अब इंजन जितना अच्छा होगा आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस उतनी बेटर रहेगी, जितना जो है सीसी का रहेगा उतना ही आपकी जो गाड़ी की जो जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगी। उसी तरह जो मोबाइल में जितना भी आप चलाते हो, वीडियो देखते हो, एप्लीकेशन यूज करते हो, डाउन करते हो, ऊपर करते हो, नीचे करते हो, यूट्यूब देखते हो, इंटरनेट चलाते हो, सारे का सारा जो काम होता है वो प्रोसेस के तहत ही होता है। यदि आपके फोन की प्रोसेसर बेटर नहीं है तो ये समझ लीजिए आपका फोन कभी भी जो है एक बेटर परफॉर्मेंस आपको नहीं देने वाला, वो हैंग होगा और भी बहुत सारी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको। अब एक्चुअली प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों प्रोसेसर के अंदर आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक हीलियन P70, इस तरह की कई जो है प्रोसेसर आ जाती है। अब भी आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा कि ये प्रोसेसर इतने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये वाले प्रोसेसर इतने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो स्नैपड्रैगन है वो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और जो क्वा जो मीडियाटेक है वो 12 नैनोमीटर पर आधारित है, या फिर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है, और जो 8 वाला है जो एप्पल की 8 वाला वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है, आखिर ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती क्या है। वेल गाइस, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज भी आप बार बार सुनते होंगे, क्वार कोर। कोर्स क्या होते हैं वो समझने से सबसे पहले तो दोस्तों आप बार बार सुनते होंगे कि ये प्रोसेस इतने कोर की है, ड्यूल कोर की है, ऑक्टा कोर की है, क्वाड कोर की है, इस तरह से आप सुनते हो, या फिर डेका कोर की है। अब एक्चुअली क्वार कोर क्या होते हैं वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों कोर वही होते हैं जो हमारे इंटरनेट जो मोबाइल में मिलकर वर्क करते हैं, बहुत सारे एक काम को एक बंदा नहीं कर सकता तो बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। वेल गाइस यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के तहत पर हम ले लेते हैं किसी काम को कोई एक व्यक्ति करने में उसको समय लगता है 8 घंटे, वहीं उस काम को यदि 4 व्यक्ति मिलकर करेंगे तो उस काम को लगेंगे कितने घंटे, कितने घंटे, मैथ तो आपको आती होगी, मतलब उस काम को आधा घंटा लगने लग जाएगा। फिर यदि 2 आदमी मिल मतलब 8 आदमी मिलकर करेंगे तो उसको और भी कम टाइम लगेगा। यही काम होता है कोर्स का, जो कोर होते हैं वो भी प्रोसेस के अंदर अंदर डाले जाते हैं। अब किसी प्रोसेसर में ड्यूअल कोर होता है तो किसी में ऑक्टा कोर होता है तो किसी में क्वाड कोर होता है। आपने बार बार से देखा होगा कि जो क्वाड कोर होता है, जो ऑक्टा कोर होता है, जो ड्यूअल कोर होता है उसी के हिसाब से जो है परफॉर्मेंस देती है। अब एक्चुअली ड्यूअल कोर क्या होता है, ड्यूअल कोर में 2 कोर होते हैं, क्वाड कोर में 4 कोर होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं, इसी तरह डेका कोर में 10 कोर हो जाते हैं। अब एक्चुअली जितने ज्यादा कोर होंगे उतने ही ज्यादा व्यक्ति आ गए, मतलब ड्यूअल कोर आपने प्रोसेस ली स्नैपड्रैगन ड्यूअल कोर में ली तो 2 ही व्यक्ति है उसमें काम करने के लिए, तो वो उतना ही धीरे उस काम को करेंगे, 4 रहेंगे तो उतना फास्ट करेंगे। आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें लगभग लगभग सबने ऑक्टा कोर या क्वाड कोर आ रहे हैं, और जो जितने नए फोन आ रहे हैं कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं उनमें डेका कोर भी यूज किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ऑक्टा कोर हो रहा है। बात प्रेजेंट अभी प्रेजेंट टाइम की मैं आपके सामने बात करूं तो अब समझ लिया होगा कि आपने कोर क्या होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब एक्चुअली एक प्रोसेसर को बनाने के लिए, एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बनाने के लिए, उसका डिजाइन बनाने के लिए एक कंपनी होती है जिसका नाम है आर्म, जो जो आर्म जो है कंपनी इनको बनाती है। आर्म सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, ये जो है एक कंपनी आर्किटेक्चर उसकी डिजाइन को जो है तैयार करती है, उसकी डिजाइन को जो है बनाती है। अब एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है,
कि ये उस डिजाइन को तैयार करती है, तो उसके अंदर कुछ छोटे 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 यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। मैंने कंप्यूटर के प्रोसेसर पर वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आज मोबाइल के प्रोसेसर के ऊपर बना रहा हूँ। तो दोस्तों जो छोटे छोटे जो होते हैं ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके अंदर एक गेट्स होता है, मतलब उन्हें ट्रांजिस्टर को आप नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो जितने छोटे होंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होगी। एक छोटे छोटे गेट्स जो होते हैं जो आपको क्या करते हैं कि उसके अंदर जितने छोटे होंगे उतने ही अच्छी प्रोसेसर होगी। तो दोस्तों बता दूं कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है उसमें 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का मतलब उसके 14 नैनोमीटर पर हो। और जो क्वालकॉम है, जो मीडियाटेक है, वो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। और जो एप्पल का A12 है, वैसे सैमसंग ने अपना एक्सियोन अलग रख रखा है, उसकी प्रोसेसर अलग है, और एप्पल की भी अलग है। A12 इसकी प्रोसेसर का नाम हो, जिसको जो टेक्नोलॉजी है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर ये बेस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट वर्क करती होगी। तो इसी के अंदर था कि ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इस तरह से मिलकर एक पूरी प्रोसेसर बनती है, जिनकी कुछ मुख्य मुख्य प्रोसेस जो आजकल सबसे ज्यादा चलती है वो एक क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन होती है जो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। दूसरी होती है जो मीडियाटेक हीलियम P17 है, जो जो बेस होती है 12 नैनोमीटर पर बेस होती है। देखिए दोस्तों, ज्यादा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे दूं तो मेरे हिसाब से मीडियाटेक स्नैपड्रैगन जो है दोनों बराबर ही होती है। लेकिन अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो जो मीडियाटेक है वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। अब एक्चुअली कौन सी प्रोसेस आपके लिए सही रही है, कौन सी फोन के लिए कौन सी प्रोसेसर सही है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि कौन सी प्रोसेसर एक स्मार्टफोन को खरीदने के लिए बेटर रहती है, कितने पैसों में क्या क्या सिस्टम होता है इनका, वो सभी बातें नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वेल गाइस, आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली प्रोसेस होती क्या है, प्रोसेसर का काम क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी दी गई जानकारी अच्छी लगी, जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों मेरा नाम है शंकर, आप देख रहे हैं चैनल, चलिए शुरू नहीं करेंगे हम, अब जाने वाले हैं।